दोस्तों नमस्कार, मैं योगेश बोरसे आप सभी का बोरसे ग्रुप में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, मानवीय उत्क्रांति में मानव की सबसे बड़ी जीत थी जब उसने बोलना शुरू किया, जिससे समूह के लोगों से कॉन्टैक्ट करना, अपनी बात लोगों तक पहुँचाना, इसलिए यह क्रांति हुई थी, उत्क्रांति हुई थी। पहले लोग अपने दिल की बात बताने के लिए बोलते थे, शब्दों का इस्तेमाल होता था। आज लोग दिल की बात छुपाने के लिए झूठ बोलते हैं या बोलना बंद करते हैं। दोस्तों, बोलना, संभाषण करना, स्पीच एक कला है जो कुछ लोगों में निसर्गतः होती है, कुछ लोग सीख कर कर लेते हैं, जिस पर हमारी जिंदगी निर्भर करती है। हाँ दोस्तों, हम क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, इस पर हमारी कामयाबी निर्भर होती है। अभी आप सोचेंगे कि हमने बहुत लोगों को देखा है जो बोल नहीं पाते, तो क्या वो कामयाब नहीं हो सकते? ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो बोल सकते हैं। दोस्तों, इसी पर आधारित आज ये छोटी सी कहानी शायद आपको कामयाबी के सफ़र में थोड़ी बहुत मददगार साबित हो। हरिया और धनिया दोनों अच्छे दोस्त थे। दोनों बचपन से साथ में रहते थे। हरिया शांत स्वभाव का था, कम बोलता था, लेकिन जब भी बोलता था तो ऐसे लगता था जैसे जहर उगल रहा हो। धनिया चुलबुला था, बड़बड़ करता था, उसकी यही आदत थी। उसे बात करने की पहचान नहीं लगती थी, बात करने के लिए कुछ ही क्षणों में सामने वाले को वह अपना बना लेता था। जब तक छोटे थे तब तक इन बातों का महत्व समझ में नहीं आया। साथ में खेलते कूदते जिंदगी चल रही थी, दिन गुजरते गए, वक्त के साथ साथ दोनों बड़े हो गए, काम धंधे में लग गए। गांव छोटा था, सब लोग पहचानते थे। दोनों ने साथ में काम करना शुरू किया, लेकिन दिमाग यह लगाया कि गांव से सब्जी लेके शहर में साथ में जाएंगे और वहां पे अलग अलग जगहों पे बेचेंगे, लेकिन अनुभव नहीं था, इसलिए दोनों ने तरकीब निकाली कि पहले अपने ही गाँव में आजमा के देखते हैं, बाद में शहर या दूसरे गाँव जाएंगे। और उनका काम शुरू हुआ। दोनों सब्जी लेकर गांव के बाजार में बैठ गए। गांव का बाजार बड़ा था, आजू बाजू के छोटे छोटे कस्बों के लोग आते थे, खरीदारी करते थे और शाम होते होते चले जाते। हरिया और धनिया दोनों अपना अपना ठेला लगाकर बैठ गए। हरिया को ज़्यादा बात करने की आदत तो थी नहीं, और अगर बोलता तो कैसे बोलता, जैसे जहर उबलता हो या सामने वाले का दिल टूट जाए। और धनिया तो बोलता ही रहता। थोड़ी देर में धनिया की सब्जी खत्म हो गई। हरिया मक्खियाँ मार रहा था। एक खरीदार आया, हरिया को पूछा, सब्जी कैसे दी? हरिया ने भाव बताया, इतनी महंगी, उधर तो इतने में दे रहे हैं। हरिया ने बोला, तो भाई उधर से ले लो। ग्राहक चला गया। दूसरा आया, भाई सब्जी कैसे दी? हरिया ने भाव बताया। ग्राहक बोला, थोड़ा कम कर दो, ज़्यादा लेनी है, कम करोगे तो 5 किलो ले लूँगा। हरिया का मुंह खुला, मैं क्या घर में उगाता हूँ, 1 रुपया कम नहीं हो सकता, लेना हो तो लो वरना अपना रास्ता नापो। ग्राहक हैरान होकर देखने लगा और वहाँ से निकल गया। ऐसे ही दिन गुजर गया। हरिया की सब्जी पड़ी रही और धनिया की पूरी खत्म हो गई। शाम को दोनों मिले। हरिया का मुँह लटका था तो धनिया खुश था। धनिया ने पूछा, क्यों भाई आज का दिन कैसा रहा? हरिया नाराज होकर बोला, भाई मत पूछो, सब सब्जी वैसे के वैसे पड़ी है, तुम्हारा कैसा रहा? अरे मेरी तो पूरी बिक गई। हरिया चौंक गया, क्या कम भाव से बेची या फुकट में बांट दी? धनिया मुस्कुराकर बोला, नहीं भाई, तुमने क्या भाव बताया था? हरिया कुछ बोला नहीं। उसने कागज़ निकाला, 2 टुकड़े किए और बोला, इस पे लिखो। और दोनों ने चिट्ठी बनाई और एक दूसरे को थमा दी। हैरत की बात यह थी कि दोनों की कीमत लगभग एक ही थी, उल्टा धनिया ने 2 पैसे ज़्यादा ही लिए थे। हरिया हैरान हो गया, अगर नहीं बताना चाहता तो झूठ क्यों बोल रहा है, और वहाँ से निकलने लगा। अरे भाई सुन तो, धनिया ने बोला, एक काम करते हैं, कल दोनों आमने सामने बैठते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है, हरिया ने गर्दन हिलाकर हाँ कहा। दोनों दूसरे दिन साथ में एक दूसरे के सामने बैठ गए। एक ही सब्जी, एक ही भाव, फिर भी धनिया कुछ ही देर में पूरा माल बेचकर फ्री हो गया। हरिया हैरान होकर देखता रहा, उसकी सब्जी वैसे के वैसे पड़ी थी।
धनिया उसके पास आकर बोला, भाई क्या हुआ? हरिया ने मुंह फेर लिया। धनिया समझ गया। वो बोला, एक काम करो, थोड़ा साइड में बैठो, मैं कुछ करता हूँ। और हरिया की जगह धनिया बैठ गया। ग्राहक आया, भाई क्या भाव है? धनिया ने बोला, साहब आपसे ज़्यादा क्या लेंगे, जो भाव है वही दे दो। लेकिन तुम बताओ तो सही, तुम्हारा भाव क्या है? धनिया ने भाव बताया, अरे इतना रेट तो कहीं पर भी नहीं है। साहब आप क्वालिटी तो देखो, बड़े घर के हो, अच्छा खाना पसंद करते हो, आप निश्चिंत होके ले जाना, भाभी जी खुश हो जाएगी, तो आप वापस कल मेरे पास ही आओगे। ग्राहक ने हाँ ना करते सब्जी ले ली। साहब भाभी जी को मेरा प्रणाम कहना और कल मेरे पास ही आना, आपको और अच्छी क्वालिटी के फ्रूट और सब्जी मिलेगी। ग्राहक खुश होकर चला गया। ऐसे ही ग्राहक आते गए, धनिया बातें करता रहा और शाम होते होते उसने हरिया की पूरी सब्जी बेच दी। हरिया देखता ही रहा, कुछ नहीं बोला। दोनों बाजार से घर लौटे, खाना खाने के बाद वापस मिले तो हरिया से रहा नहीं गया। उसने पूछा कि ये कैसे संभव है कि दोनों एक ही माल एक ही भाव से बेच रहे थे लेकिन दोनों बार तुम सफल हुए। धनिया सोच में पड़ गया, बचपन का दोस्त है, अगर इसे कुछ कहूँ तो बुरा मान जाएगा, लेकिन बताना तो पड़ेगा, नहीं तो ये वैसे भी नाराज होकर चला जाएगा। भाई फर्क सिर्फ बात करने का है, हरिया चौंक कर बोला। उसके लिए ये बात नहीं थी, यहाँ बात करने का क्या संबंध है? तुम रहने दो, मत बताओ। धनिया ने फिर समझाया, देखो भाई लोग बाजार आते हैं किस लिए? या तो उन्हें कुछ खरीदना होता है या पैसे खर्च करने होते हैं। यानी जो इंसान बाजार में आता है वो जेब में पैसे लेकर आता है, लेकिन हर कोई प्यार का अपनेपन का भूखा होता है। जाने अनजाने में उन्हें जहाँ अपनापन, अच्छा बर्ताव, अच्छा व्यवहार मिल गया, आदर सम्मान मिल गया, वहीं से वो खरीदते हैं या पैसे खर्च करते हैं। दोस्त तुम कम बोलते हो लेकिन सामने वाले का दिल तोड़ देते हो, उसे बुरा भला कह देते हो और खुद का नुकसान कर रहे हो। उसे तो चीज़ खरीदनी है, पैसा खर्च करना है, तो किसी दूसरी तरफ जाता है जहाँ उसे तुमसे अच्छा व्यवहार मिलता है, अच्छी बातें सुनने को मिलती है, भले ही दो पैसे ज़्यादा खर्च हो। तुम कितना बोलते हो ये मायने नहीं रखता, तुम कैसे बोलते हो ये मायने रखता है। जब तक बचपन था तब तक ये बातें मायने नहीं रखती थी, लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं, हम लोगों से व्यापार करके पैसा ही नहीं, प्यार, स्नेह, विश्वास, अपनापन, हमदर्दी, दोस्ती, सब कुछ पाना है। अगर ये सब कुछ पा लिया तो पैसा अपने आप आ जाएगा। काम तो हम दोनों कर रहे हैं लेकिन दोनों का नज़रिया शायद अलग है। तुम पैसा कमाने के लिए बाज़ार में जाते हो और मैं पहचान बढ़ाने जाता हूँ, तो जैसे जैसे मेरी पहचान बढ़ती जाएगी लोग मेरे पास आना पसंद करेंगे और मेरा व्यापार बढ़ता रहेगा तो पैसा अपने आप आएगा। दोस्त पैसे को विटामिन एम कहते हैं, लेकिन विटामिन एम के अलावा ये बाकी चीज़ें भी बहुत मायने रखती है। तुम भी ये कर सकते हो, सिर्फ नज़रिया बदलो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम गलत कर रहे हो, लेकिन अगर आगे बढ़ना है तो कुछ दुनियादारी अपनानी ज़रूरी है, चाहे अच्छा लगे या न लगे। कुछ देर शांति छा गई, कोई कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद हरिया उठा, उसने धनिया का हाथ अपने हाथ में लिया और उसके पैरों को हाथ लगाकर बोला, दोस्त तुम तो पहले से अच्छे दोस्त थे, आज अच्छे गुरु भी बन गए। तुम्हारी बात 16 आने सच है, मैं ज़रूर सीखूंगा और तुमसे ही सीखूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे वक्त लगेगा। धनिया ने शांतिपूर्वक पूछा, तो फिर आगे क्या सोचा है, क्या विचार है? हरिया ने सोच समझ कर जवाब दिया, आज से तुम मेरे गुरु हो, जब तक मैं अच्छा नहीं बन जाता, अच्छी बातें नहीं कर पाता, लोगों का प्यार नहीं पाता, विश्वास नहीं पाता, तब तक हम साथ में व्यापार करेंगे। माल तुम बेचोगे और तुम्हारे साथ रह के मैं धीरे धीरे सीख जाऊंगा। तुम्हें कोई मुश्किल तो नहीं? धनिया ने खुश होकर कहा, इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए क्या होगी, मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन तुम्हें बुरा लगेगा इसलिए कुछ नहीं कहा। दोनों ने एक दूसरे को प्यार से गले लगाया और वहाँ से निकल गए एक नई शुरुआत करने के लिए।